बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एनके न्यूज़ के साथ मैं हुसना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पिशावर में फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में कैप्टन और हवलदार शहीद। पाक फौज के तालुकात-ए-आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने पिशावर के इलाके हसन फेल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में तलाश किया। फायरिंग के शदीद तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीक अल्लाह ने जाम शहादत नोश किया। पाक फौज के शबा तालुकात आमा के मुताबिक कैप्टन हुसैन जहांगीर ऑपरेशन की क्यादत कर रहे थे, जिनका ताल्लुक रहीमिया खान से था, जबकि 36 साल के हवलदार शफीक अल्लाह का ताल्लुक अर्क से है। ISPR के मुताबिक हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अजम को मजबूत करती हैं। फोर्सेज दहशतगर्दी की हिलानत के खात्मा के लिए पुरअज़म हैं। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर आज़म के दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सफीरों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात की। कुवैती सफीर ने वज़ीर आज़म को कुवैत के अमीर शेख मशर अल अहमद का खत पेश किया, जिसमें अमीर कुवैत की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल करने का पैगाम है। कतर के सफीर ने भी वज़ीर आज़म को अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदल सानी का खत पेश किया, और इसमें भी अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत को कबूल करने का पैगाम दिया। ये मालूम नहीं हो सका कि दोनों ब्रादर सामी मालिक के सरबराहान का पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तलत हुसैन की डायलॉग डिलीवरी का एक जमाना मतरफ था। वज़ीर आज़म का अदाकार के इंतकाल पर इजहार अफसोस। टीवी, थिएटर, फिल्म और रेडियो के मुमताज़ अदाकार तलत हुसैन के वफात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजहार अफसोस किया और मरहूम के वालिदैन से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा है कि अल्लाह ताला मरहूम तलत हुसैन को जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। शहबाज शरीफ ने कहा है कि तलत हुसैन ने अपनी अदाकारी से ड्रामा और फिल्म शाकीन के दिलों में जगह बनाई। टेलीविज़न, थिएटर, फिल्म और रेडियो के लिए इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन सेनेट और कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने भी मरूफ फनकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और कहा कि मरहूम तलत हुसैन की फनून लतीफ़ा के लिए गरां कदर खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी ने मजीद कहा कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे और सोगवारान को सब्र जमील अता फरमाए। इमरान खान से नहीं मिलवाया जा रहा शहरयार अफरीदी का PTI मामलात पर इजहार तशवीश। सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स ट्विटर पर गुफ्तगू करते हुए शहरयार अफरीदी का कहना था कि पार्टी में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिस पर चुप रहूँ तो बेहतर है। बानी PTI इमरान खान की इज्जत और पार्टी के इतिहाद के लिए खामोश हूँ। मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूँ बता नहीं सकता, मगर पार्टी के जब्ता अखलाक को अपनाना चाहिए। शहरयार अफरीदी ने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जिस पर खामोश रहा जाए तो वो मुजरमाना खामोशी कहलाई जाएगी। सही वक्त आने का इंतजार कर रहा हूँ। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि बानी PTI से मिलने का इंतजार है। 24 मई को भी मुझे मिलने नहीं दिया गया। हमें बानी PTI से नहीं मिलवाया जा रहा, बहुत हो गया। अगर वाकई हम मुखलिस हैं तो हमें बानी PTI की रिहाई को यकीनी बनाना होगा।